में विचित्र लगेगा, लेकिन जन्मदिन मुझे मृत्यु दिवस की याद दिलाता है। एक कविता में मैंने ये प्रश्न उठाया था कि जन्म का त्योहार तो सब मनाते हैं, मगर मरण का त्योहार क्यों नहीं मनाते? इस संसार में आना जैसे एक आनंद का क्षण है। वैसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर पंथी का आगे बढ़ जाना, राहगीर का आगे बढ़ जाना, ये भी तो अपने में एक महत्वपूर्ण घटना है। मेरे संग्रह में एक कविता है, दूर कहीं कोई रोता है। इमरजेंसी के दौरान जब मैं नजरबंदी में था तो मुझे कई महीनों बीमारी के कारण ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में रहना पड़ा था। मुझे ऊपर की मंजिल पर कोने में कमरा दिया गया था। रोज सवेरे 4 बजे 5 बजे मेरी आंख अचानक खुल जाती थी। कारण ये था कि ठीक मेरे कमरे के ठीक नीचे मॉर्चरी थी। रात में जो बीमार मर जाते थे उनका लाश लेने उनकी लाश लेने के लिए उनके घर वाले सब मेरे इकट्ठे होते थे। उनका हृदय वेदी चीत्कार मुझे बेच जाता था। उस समय मैंने ये कविता लिखी थी, दूर कहीं कोई रोता है। तन पर पहरा भटक रहा मन, साथी है केवल सूनापन। बिछुड़ गया क्या स्वजन किसी का, क्रंदन सदा कर्म होता है। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है। अंतर रोए आंख न रोए, मन से रो मगर आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए। छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रहता है। जीवन से मृत्यु भली है, आतंकित जब गली गली है। मैं भी रोता आस पास जब कोई कहीं नहीं होता है। दूर कहीं कोई